कीमा भर दिया है मसाले वाला, घी गरम करना मैंने छोड़ दिया है। आइए हम इसे फ्राई करते हैं। घी गरम हो गया है हमारा, अब मैं इसे भिंडियों को ना इसमें छोड़ दूंगी। I'm just sitting here. हल्की आंच में बनाने हैं इसे ताकि अंदर से कीमा भी कुक हो जाए, ये भिंडियां भी बन जाए। From up here, the world seems... मेरी बस एक दो मेरे काट लगा के इसमें It's so beautiful. अब इसे मैं ऐसा ऐसा पलटा के दूसरी साइड भी पक जाए इसकी। आप इसे इस तरह पलटाते रहे ताकि चारों तरफ बन जाए, भिंडियां सही तरह फ्राई हो जाए। Sometimes you need to go take a step back. माशाल्लाह से बेहतरीन फ्राई हो चुकी है भिंडियां हमारी। माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है, टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। हमारी भिंडियाँ मसाले वाली और कीमे वाली तैयार हो गई हैं, बिल्कुल कलर भी अच्छा है, टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और करारी बन गई है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे नींबू लगा के भी खा सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है। In the great outdoors.